नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर में नशे की ओवरडोज से एक नौजवान की हुई मौत, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। जालंधर के नुसी गांव में सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण नुसी गांव में पोल्ट्री फार्म गिरा, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। अमृतसर के बटाला रोड पर स्थित मिठाई की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना, 5,000 रुपए की नकदी और मिठाई चोरी कर हुए फरार। अब हलचल विस्तार से। पंजाब में नशे का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कई माताओं के बेटे नशे की भेंट चढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जीरा के कस्बा मलावाला के गांव खच्चरवाला दुला सिंह वाला रोड पर सामने आया है, जहां गांववासियों की ओर से सड़क पर बनाए गए लंगर हॉल में 18 वर्षीय नौजवान की लाश दिखी। मृतक की पहचान हरमनप्रीत सिंह निवासी आलेवाला के तौर पर हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की मौत नशे की ओवरडोज की वजह से हुई, क्योंकि नौजवान की लाश के पास एक सिरिंज भी मिली है। तो वहीं नौजवान की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पारिवारिक सदस्यों के मुताबिक उनका बेटा पहले कभी नशे नहीं करता था। बीते दिनों वो मेला देखने के लिए घर से गया था। उन्हें पता नहीं कि किसने उसे नशे के दलदल में धकेल दिया है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही उसी के आधार पर अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। कल 11 बजे तो मगरों घरों निकले, मेला वेखन गया है। सानू नहीं पता नशा करता है या नहीं, घरे नहीं पता सानू। हुण कल दा घरे नहीं आया, हुण इत्थों फोन गया है वी ओह इस तरह चिट्टा ला के मर गया। कहण दी गल ते ही नशे करके मौत हुई है लड़के हरमनजीत सिंह। ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਆ ਅਤੇ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਰ ਇਹਦੀ? 19-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਸੀ ਖੱਚਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ। ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਖਾਧਾ ਕੀ ਪੀਤਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਲੇ 'ਤੇ, ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੇਲੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਸੰਨੋਖ ਸਾਧਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕਾਕਾ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਡੈਡੀ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਮੇਲੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਾਨ ਖੱਚਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण हादसों के मामले सामने आ रहे हैं। जालंधर के नुसी गांव में पोल्ट्री फार्म गिरने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी देखते हुए पोल्ट्री फार्म के मालिक मनदीप ने बताया कि बारिश के कारण 3 मंजिला दीवार गिर गई। इस हादसे में भारी नुकसान हुआ। मनदीप ने कहा कि इस घटना के दौरान 2,500 से 3,000 मुर्गियां मर गई। वहीं हादसे में उनका 25 से 30 लाख शेड का और 5 लाख रुपए का नुकसान मुर्गियों के मरने से हुआ है। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री फार्म में पक्की शेड डालने के बावजूद उनका भारी नुकसान हुआ है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अमृतसर के बटाला रोड पर स्थित मिठाई की दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में
जानकारी देते हुए दुकान के मालिक ने बताया कि 2 साल पहले भी उनकी दुकान में चोरी हुई थी और उस समय पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया था, पर अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब फिर चोरों ने दुकान का शटर उठाकर दुकान में दाखिल होकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान चोर दुकान के गले में पड़ी 5,000 रुपये की नकदी और मिठाइयाँ चोरी कर ले गए। वहीं ये सारी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है। वहीं जब इस संबंध में पुलिस चौकी विजयनगर के पुलिस अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें चोरी की सूचना मिली है, वे CCTV की जांच कर रहे हैं, जल्द ही चोरों को काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वारदात तो देखो जी, पहला भी कोई 2 साल पहला इसे तरह शटर टुटा सीगा, कोई काफ़ी नुकसान होया सीगा, तो ये करीब कैमरे के देखने के मुताबिक सानू कोई 4 बजे के करीब देखा गया कैमरे के शटर जरा ये ताला बिचे लगा संगल वजा काउंटर नू और खिसका के और थल्यों की बंदा निकलिया और जो भी उन्हें कैश आडा जो काउंटर ये हैगा अपने तर थले दो ज़्यादा निशान से बाकी होर चीज़ा खोलता करता रहा जिस हिसाब न कि मैं होर चीज़ पालना जा नकद वास्ते, बाकी चीज़ हाँ कोई नहीं गई जी कि ज़्यादा नुकसान हो सके, सिर्फ कैश वास्ते गया कैश कोई करीब 5-1 हज़ार दे रेट गिर जाएगा। हाँ बाकी मठियाई थोड़ा बहुत अपना खान पीन जोगा लै गया हो तो अं कह नहीं सकते। सर सवेरे 6 बजे एक कॉल आई है, लड़का सामने रहा कॉल आई है कि तुहाडा शटर टुटा पिया, तो चलो अं उस वेले आए सर तो अं देखा कि वाकई शटर टुटा पिया। अं अपने होर जे एक दो फ्रेंड उन्होंने फोन किया, मैं क्या यार इस तरह गलबात हैगी है, उन्होंने आके इनफॉर्म किया पुलिस को, आप गए हाँ उन्होंने पुलिस का एक बंदा आया तो उन्होंने सारी वीडियो जोड़े अपना कैमरे चो आप देखे आ सारा कुछ चैक करने तो बाद कहते जी साढ़े जोड़े सीनियर है उन्होंने सारी फोटोज़ भेज देना तो अगों देखने कार्रवाई कुछ होंगी है जिस तरह भी जो भी होगी साढ़े वालों अं देखा, बाकी इन्ना कुछ कह के गया। लेकिन इन्नी सोच की मतलब गल है कि बंदा 4:15 आया तो 5 बजे तक लगा रहा सर, कोई मतलब समझ नहीं आई, बेखौफ कोई डर ही नहीं है किसी बंदे नूं मतलब कोई गल दा, बड़े आराम ने। हाँ जी कल्ले बंदा सर, इक्को कल्ले बंदा सर, साइकिल ते आ सर, साइकिल ते आ गए यार बड़े आराम ने, पहले इन्हें लाइटां कट कीतियां उस तो बाद कैमरे साढ़े जिहड़े उन्होंने पूरे कनैक्शन कट्टे आ तो फिर अंदर बड़ा हौले हौले शटर तोड़ के अंदर बढ़ के साढ़े पूरे जिन्ना भी कैश से 4-5 हज़ार रुपया कैश से वह लैके चला गया। यह जी अच्छा दरखास्त आई है सुनील शर्मा वालों, सुनील शर्मा सानू तिलक राज गली नंबर 3 बटाला रोड, इन्हों की दुकान है राधा कृष्ण शक्ति मिष्ठान भंडार। इन्होंने दिखा दी अपना अर्ली मॉर्निंग 5 बजे ना कोई चोरी होनी CCTV तो वेखी गई है तो शटर तोड़ के अंदरों गले कुछ नकदी तो कुछ मिठाई कोई व्यक्ति चोरी करके लै गया। सर जी CCTV सामने आ रही है पिछले दिन निर्माण अस्पताल के एक दफ्तर से दवाइया मशीन चोरी गई लैपटॉप संगरूर के मुनक क्षेत्र में बीती 11 जुलाई को घग्गर नदी का बांध टूट गया था, जिसके बाद भारी तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिला। दर्जनों गांव में पानी जमा हुआ जो आज तक जारी है। इसी संदर्भ में जिला प्रशासन की ओर से इलाके के विधायक के साथ बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया गया। जिन घरों में बाढ़ के चलते दरारें आई वहां पर जाकर देखा गया और उनका हालचाल जाना गया। वहीं घग्गर नदी के किनारों पर भी जाकर दौरा किया गया। कई जगहों से टूटे हुए बांध को गांव वालों द्वारा लोगों की मदद से भर लिया गया है, लेकिन कई जगहों से अभी भी बांध टूटा हुआ है जहां से पानी बहुत तेजी के साथ बह रहा है। संगरूर के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र जोरवल ने बताया कि घग्गर नदी का बांध करीब 55 जगहों से टूटा था क्योंकि पानी ओवरफ्लो हो गया था और घग्गर नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो वहीं लहरा गागा के विधायक वीरेंद्र कुमार गोयल ने कहा कि घग्गर नदी की सफाई के लिए और इसके किनारों को मजबूत करने के लिए उनकी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। इसकी सफाई और इसके किनारे मजबूत किए गए थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज आया कि नदी ओवरफ्लो हो गई। उन्होंने कहा कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, लोगों के साथ
खड़े होने का है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। पूरे सख्त आदेश ने कि जेड़े भी ये कम ने हड़ां दे जेड़े प्रबंध ने वो पूरे तौर पर मुकम्मल होने चाहिए हैं। नंबर वन, इस तरह लोगों को पूरी सहूलत मिलनी चाहिए है, जिदे विच मेडिकल का काम, मेडिकल टीमा, वैटरनरी की टीमा, डंगर वास्ते फॉगिंग, लार्वासाइड, राहत सामग्री, राशन का रिलीफ कैंप्स, वो पूरे तौर पर प्रबंध होने चाहिए हैं, जिस करके लोगों को कोई नुकसान ना हो। इस तो अलावा जिहड़ा हैगा असैसमेंट चल रहा हैगा इस वेले, जिहड़ा भी डैमेज होया जिवें कि घरां दा कोई त्रेड़ पई है या फिर कोई घर डुब गए ने, टुट गए ने, या फिर फसल का जो नुकसान होया है, इहदे बाबत असीं पिंड पिंड दौरा किया है। MLA लहरा वो भी नाल, अज जिला प्रशासन की टीम नाल, अज असीं सारे पिंडां दे दौरा किया हैगा। अज असीं जिथे खड़े हैगे एक ब्रीच हैगी 60 फुट की, जिहड़ी रात और रात जिहड़ी हैगी प्लग की गई सी जिला प्रशासन ते लोकां दे नाल मिल के। और इस तों अलावा कल रात भी जिहड़ी हैगी 2 वड्डियां ब्रीचा बॉपुर ते अपने सुलरगढ़ी दे विच कीती सीगी, 180 फीट की ते 250 फीट दियां। तो जिहड़ी मेजर ब्रीचेज हैं वो असीं लगातार प्लग किए करे जा रहे हैं, बट थोड़ा जिहा इशू ये आ रहा है कि हजे भी पानी का लैवल जिहड़ा है काफ़ी ज़्यादा, तुसीं आप देख सकते हो कि हजे भी अपने डेंजर लैवल तो उत्ते घग्गर फ्लो कर रही है। तो इस बाबत जिहड़ा हैगा थोड़े जे सानू परेशानियां आ रही है, जिथे जान माल का भी खतरा रहिंदा है, तो होर भी जिहड़ी ऑपरेशनल डिफिकल्टीज होंदियां हैगियां, पर प्रशासन जिहड़ा हैगा इरीगेशन डिपार्टमेंट, रूरल डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट, SDM साहब, पुलिस प्रशासन सारा मुस्तैद है। असीं जिहड़ियां ब्रीचेस हैगियां उन्हां नूं छेती तों छेती जिहड़ा हैगा बंद कर। नुक्ताचीनी दी गल नहीं करनी चाहुंदा, किसी भी पार्टी का बंदा है, सारे ने मिल के काम किया है, पर जिहड़ा कुछ देखो बीबी पठर की जिंदे 155 करोड़ लई थी, फिर लोगों ने जमानत क्यों जब्त कराती है? जो कुछ किया हों तो 155 करोड़ की गल करी जाते हैं, पहला लहरे कही जाते थे अगे शहीद के परिवार के जी 10 लख रुपया असी मिला लिया थी। देखो ये झूठा का समा नहीं है, सारे रल मिल के दसो, बैठ के गल करो, कट्ठे होना चाहिए। हूँ आगे फॉरन के इस तरह के बयानबाजियां करनिया ये कोई चंगी गल नहीं है। हूँ 155 करोड़ का ना तो कोई प्रोजेक्ट कभी पास होया, कि किस्त आ गई सी सानू दसो, किस्त आ गई थी, कौन खा गया उस किस्त को? उदू बाद अकाली सरकार आ गई थी, अकाली तो आपस भाई भाई तो है, रल मिल के इलैक्शन लड़ते सी। सो ये दोष लाना देखो बहुत सौख है, आ जाओ ग्राउंड के किसी पिंड गेड़ा मारे किसी, ये फालतू गल् ने, इन गलों का कोई मतलब नहीं। सरकार पूरी तरह लगी है, साडा सारा प्रशासन पैदल तुरे फिर, DC साहब देख लो, साढ़े DDPO, SDM सारे, डिप्टी साहब ने, असी तुरे फिर 10 दिन तो सारे जिले का प्रशासन इतने खड़े। जालंधर में सुबह से ही लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जालंधर के सेंट्रल टाउन इलाके की है, जहां पर पानी भर जाने की वजह से सभी दुकानें बंद करनी पड़ी है और जो लोग वहां से निकल रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर इलाका वासियों ने कहा कि सेंट्रल टाउन जालंधर का पॉश एरिया है, जहां पर जगह के दाम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बारिश के दिनों में ये पूरी तरह से डूब जाता है। कोई भी सरकार इस समस्या का हल नहीं निकाल पाई है। बारिश की वजह से दुकानदार अपनी दुकानें नहीं खोल सकते और लोग भी अपने घरों में बंद हैं। इस दौरान इलाका वासियों ने सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल किया जाए। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी भाई, अज जिंदा तुसी देखे कि अज मीह इन्ना पिया ते पानी भी पूरा खड़ा हो गया, की कहना चाहोगे इस बारे? इस बारे यही कहना वा, आपा लोकी भाव मांग रहे 17 लाख रुपए मर ला, 20 लाख रुपए मर ला, ते हाल देख लो हैंड डाउन दा, 5 बजे निकलना, हुण टाइम देख लो तुसी किन्ने बजे आए गए, हुण 5 घंटे दा काम हैगा। ये काफी दिक्कत आंदियां होणगियां, जिंदा हुण पानी खड़ा है, कोई आ जा नहीं सकदा, सारी मार्केट क्लोज हो गई है, लोकां दे रोजगार बंद हो गए। जिला कपूरथला के फगवाड़ा में चोरों ने एक गरीब परिवार को भी नहीं बख्शा। दिहाड़ी करने वाले गरीब के घर चोर सोने के गहने, कुछ पैसे चोरी कर फरार हो गए। इस संबंधी जानकारी देते हुए दिहाड़ी करने वाले धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जब वे दिहाड़ी करके घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और पत्नी के सोने के जेवरात गायब हैं और चोर घर में पड़े 1000 रुपये लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि पुलिस चौकी में 3 बार चक्कर काटने के बाद पुलिस उनके घर आई और रिपोर्ट लिखकर गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
मैं जी सर काम पे था, मेरा 4 बजे जिंदा तोड़ के सर घरवाली मेरे जो है सीकर सोने का था जी लॉकेट वो ले गया, 36,000 का था सर। 2 पायल था जी, 2 जोड़ी, 1 मंगलसूत्र था सर, बिछिया था सर, 1,000 रुपया कैश था सर, बाकी सब बचा अच्छा सर। था। एक मेरे मुंडे का जी सारी फिकट लेकर जी जलंधर हॉस्पिटल में बना था जी, सिविल हॉस्पिटल। तो पुलिस कंप्लेंट की आपने? किया जी, पहले गया जी 8 बजे रात को किया, पुलिस कोई नहीं आया सर। फिर 1 बजे गया जी, कोई नहीं आया जी। फिर मान के पास में गया जी, फिर वो जाके आया 5:30 बजे जी, लिख पढ़ के लेके गया सर। क्या इंसाफ मांगते हैं बोलते हैं? इंसाफ मांगते सर, मेरा सामान मिल जाए सर। आपको किसी पर शक वगैरह कोई? शक नहीं हैगा सर, इतने जनानियां सर बैठे थी, बोलती कि मैं सो गया था, मेनू की पता, 3-4 जनानियां थे रहती जी गांधी। मेनू टोटल नुकसान कितना हो गया? 90,000 का सर टोटल हिसाब जी। वो मैं हुआ जिसे मैं ताला था और 3 बजे मैं आया दुकान से, बना खा के बर्तन वर्तन धो के मैं गए इधर दुकान पर मैं गए, दुकान पर से ये मुंडा मेरा चिज्जी लेने गया, ताला मार के चिज्जी लेने गया। तो 5 मिनट के अंदर 3:30 बजे मैं दुकान पे गए, सामान बर्तन तक धोकर मैं दुकान पे गए, चिज्जी लेने और बच्चा चल गया चिज्जी लेने, मैं दुकान पे चल गया और चिज्जी ले आते घर में 5 मिनट के अंदर मेरा ताला तोड़ के सामान सारा निकल। क्या सामान था? सामान एक सीकर था, एक मंगलसूत्र था, एक सीकर था, एक 2 पायल था। होली सिटी टाउनशिप एसोसिएशन अमृतसर की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए प्रयास किया गया है। एसोसिएशन की ओर से 400 क्विंटल पशुओं का चारा दर्जन भर गांव में जरूरतमंद लोगों में बांटा गया। एसोसिएशन की ओर से देर रात तक हरिके पतन के दरिया के साथ धुसी के नजदीक रह रहे लोगों को राशन बांटा गया। दरिया के पानी की मार के कारण फसलें और घर बर्बाद हो गए हैं, जिस कारण लोग धुसी बांध के किनारे परिवार सहित बैठे हैं। इस दौरान लोगों ने कहा कि अमृतसर की होली सिटी टाउनशिप एसोसिएशन के नेताओं ने उनका दुख की घड़ी में साथ दिया है। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान और समाज सेवी राजन मान ने कहा कि इस दुख की घड़ी में अपने भाइयों के साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है और वे अपने फर्ज को पहचानते हुए बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में फसलें डूब जाने के कारण चारा खत्म हो गया है, इसीलिए वे 400 क्विंटल पशुओं का चारा भी लेकर आए हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक बड़ी आफत आई पई है इस वक्त, हड़ दे बड़ी तबाही मचाई पई है, तो ये सतलुज ते ब्यास जिथे कट्ठे हुंदे आ ते हरीका पत्तन तो अगे ये सारे साडे अपने पिंड परिवार जिहड़े ने इन्हां दे फसलां बर्बाद हो गईयां ने, कईआं दे घर डुब गए ने, सारा कुछ करे आ। ते असीं अमृतसर तो होली सिटी टाउनशिप एसोसीएशन आ शहर दे, ते असीं सारिआं दोस्तां ने रल के ये फैसला किया कि इस दुख भरी घड़ी दे विच साडा भी कोई फर्ज बनता कि अं अपने भरावान के नाल जाके उन्हां दी बांह फड़ीए, उन्हां भरावान का जो साढ़े को तिल फुर सरदा वा उहदे नाल जाके उन्हां दी मदद करिए। इस करके अं 400 के करीब क्विंटल के जिहड़ा अज चारा जिहड़ा, क्योंकि असीं एक दिन पहला आए सी स्पैशल पुछण आए सी, वेखण आए सी कि तुहाडी की लोड़ की, इहनां लोकां नूं एक्चुअली लोड़ की आ, भी खाने की लोड़ आ, रस की कि चीज़ आ, और सारे लोगों ने मंग की सी कि सानू रोटी पानी तो साडा चल रहा वा, सानू सब तो जरूरी है पशुआं का खारा बेजबाना दे वास्ते चारा चाहिए। तो असीं फिर पंजाब एग्रो दे उत्तों उन्हां को असी चारा जिहड़ा खरीदिया, तो ये पंजाब एग्रो का भी असी धन्नवाद करते हैं, उन्होंने साडी जिहड़ी आ उह फाइनैंशियली भी विच सपोर्ट कुछ की। तो असी अपने सारी एसोसीएशन वालों होली सिटी के लोगों वालों रल के पैसे इकट्ठे करके कलैक्टिवली जिहड़ा यह सारा चारा लैके आए हैं। असी अमृतसर होली सिटी के वसनीक हाँ, तो उतों की एसोसीएशन के असी जिन्ने मैंबर हाँ, असी लोगों की तकलीफ नूं वेखदे हुए असी फैसला लिया कि सानू कोई ना कोई मदद इन्हां दी जरूर करनी चाहिए है। साड़ी टीम पूरी पहला सर्वे करन आई तो इतों ये पता लगा कि बाकी खाण नूं बहुत कुछ है, लेकिन पशुआं दा चारा दी जिहड़ी कमी है उहनूं वेखदे हुए असी पंजाब एग्रो तो 400 क्विंटल दे करीब लै के इहदा चारा तो वह ये पिंडां दे विच असी टीम दे नाल इकट्ठे हो के आए हाँ, तो लोगों के वंड रहे हाँ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। बाबा सुखानंद और बाबा इंद्रदास जी की कृपा से पुरुषोत्तम श्रावण माह के उपलक्ष में शहर की सुख शांति और समृद्धि के लिए समूह नगर निवासियों और शहर की समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से श्री शिव महापुराण कथा संघ तपा द्वारा
10 दिवसीय दूसरी श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ शहर की अग्रवाल धर्मशाला में हुआ, जिसके पहले दिन सुबह डॉक्टर नरेश बंसल ने अपने परिवार सहित कलश पूजन किया और पार्षद डॉक्टर सोनिका बंसल और डॉक्टर बालचंद बंसल ने परिवार सहित ध्वजा पूजन किया, जबकि ज्योति प्रचंड करने की रस्म शहर के समाज सेवी रघुवीर चंद अग्रवाल ने निभाई। इस मौके पर विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 251 सुहागिनों ने अपने सर पर कलश नारियल विलव पत्र रख कर यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रबंधकों ने बताया कि ये कथा रात 7:30 बजे से 10:30 बजे तक रोजाना होगी, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक पंडित गिरीश आनंद शास्त्री जी उत्तराखंड वाले शिव भोले की कथा सुनाकर श्रोताओं को निहाल करेंगे। इस कथा के भोग 30 जुलाई को सुबह 11 बजे डाले जाएंगे, जिसमें पहले सुबह 8 बजे हवन यज्ञ होगा और 10 बजे अंतिम दिन की कथा होगी, जिसके उपरांत भंडारा किया जाएगा। इस मौके पर श्री गीता भवन के मुख्य पुजारी पंडित कालाराम वेद पाठी, प्राचीन सरा मंदिर के पुजारी अनिल शर्मा के अलावा गोल्डी मेहता, अनिल सिंगला, मोहित जैन, दीपक बंसल, साहिल गर्ग, ओम प्रकाश मित्तल सहित समस्त पदाधिकारी उपस्थित थे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बाबा मंडी के सहयोग के नाल एक बार फिर शिवपुराण की कथा, जो कि अग्रवाल धर्मशाला तपा विखे नगर खेड़े की खुशी लई, तपा मंडी की खुशी लई जिहड़ा कथा करवा रहे हैं। ये जो कथा हैगी 21 तरीक तो लैके अज के दिन तो लैके 30 तरीक तक चलेगी। अज सुबह 9 बजे कलश यात्रा, उस तो बाद शाम को लगातार कथा स्वामी श्री गिरशानंद शास्त्री जी के श्री मुख तो कथा का विस्तार होगा, जिस विच भक्तों को शिव कथावां बारे दसाया जाएगा। शोभा यात्रा सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सबसे पहले मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया। इसके पश्चात भजन गायक प्रताप पारस एंड पार्टी ने मां भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उपप्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, दीपाली बागड़िया, अरुण वर्मा, रमन शर्मा, मनीष शर्मा, राजू शर्मा, पवन मेहता, सुनील अरोड़ा, भूषण कोहली, अर्जुन मल्होत्रा, दमन मेहता सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट।
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਮਾਈ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਪਾਸ ਮਾਈ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਪਾਸ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਮਾਈ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਪਾਸ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਮਾਈ मूनक इलाके में बाढ़ग्रस्त इलाकों में इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं देने वाली एएनएम गुरप्रीत कौर ने ऑन ड्यूटी एम्बुलेंस में ही केक काटकर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया। मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल करके मेडिकल स्टाफ के साथ एम्बुलेंस में ही केक काटकर बेटी अवलीन को हैप्पी बर्थडे का गीत सुनाया। दरअसल लगभग पिछले एक हफ्ते से एएनएम गुरप्रीत कौर बाढ़ग्रस्त इलाकों में दिन रात ड्यूटी कर इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। ऐसे हालातों में छुट्टी लेकर बेटी का जन्मदिन नहीं मना सकते तो ड्यूटी करते हुए अपने मेडिकल स्टाफ के साथ केक काटकर एम्बुलेंस में ही अपनी बेटी अवलीन का जन्मदिन मनाया। गुरप्रीत कौर ने कहा कि बेटी चाहती थी कि घर आकर हर बार की तरह उसका जन्मदिन मनाया जाए, पर इस हालात में लोगों की सेवा करना उनके लिए ज़रूरी है, तो बेटी को समझाया और वीडियो कॉल पर ही एम्बुलेंस में केक काटकर बेटी का जन्मदिन मनाया गया। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सर हेल्थ डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं बतौर एएनएम, सब सेंटर गदरियानी मेरी ड्यूटी है जी। हूँ हड़ा करके इधर घग्गर दरिया करके साड़ी फ्लड एरिए ड्यूटी लगी हुई है जी। सवेर 8 to 5 तक साड़ी ड्यूटी है जी। सर चलो कुदरत का कह रहा है जी, एमरजेंसी ड्यूटी लगी है, असी हस के ड्यूटी कर रहे हैं। बच इन बिटवीन मेरी बेटी का बर्थडे आ गया जी। बच्चा महसूस कर रहा सी, नहीं पता सी भी इन्ने लेट हो जाएंगे। डेली होंने सर उन्होंने कह के आई सी भी बच्चे जो टाइम नाल आ गई तो तेरा बर्थडे मनावांगे, पर हूँ लग रहा सर 5:30 तो उपर हो चुके टाइम भी जो जावांगे बच्चा सो जूगा, इस करके सोचा कि वीडियो कॉल करके इतने सैलीब्रेट करा जी। सर हाँ जी लग रहा बहुत महसूस हो रहा, बट चलो सानू रब ने सेवा का मौका दिता है, असी हस के करांगे। ये भी किसी के बच्चे ने जिन्हां लई असी काम कर रहे हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। फिरोजपुर में नशे की ओवरडोज से एक नौजवान की हुई मौत, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। जालंधर के नुसी गांव में सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण नुसी गांव में पोल्ट्री फार्म गिरा, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। अमृतसर के बटाला रोड पर स्थित मिठाई की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना, 5,000 रुपए की नकदी और मिठाई चोरी कर हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।